हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शन है, नंबर वन और नंबर टू। आपको इनमें से कोई सा भी एक नंबर चुनना है। आप नंबर वन चुन सकते हैं, नंबर टू चुन सकते हैं। उनका नाम लेकर आपको एक नंबर चुनना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी एक नंबर चुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो कमेंट में आप जय माता दी लिख सकते हैं, या फिर अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर वो नंबर लिख सकते हैं जो आपने चुना है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और आपकी जो प्यारी प्यारी कमेंट्स हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप वीडियो को लाइक करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपकी सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ। तो आप जल्दी से कोई एक नंबर चुन लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नाम लेकर और सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए, जिन भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए कोई भी एक नंबर चुन लीजिए। फिर देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने नंबर चुन लिया है तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नंबर वन चुना है तो पहले नंबर वन के लिए बात कर लेते हैं। हेलो नंबर वन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। अपना नाम भी लिख सकते हैं, या फिर जिस भगवान को आप मानते हैं उन भगवान का नाम भी लिख सकते हैं। जो नंबर आप चुनते हैं वो नंबर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप हमें कमेंट करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, जो आपको आपसे ना रीडिंग करेक्ट करने में हेल्प करती है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जिन पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ आपने ना फ़िलहाल में कुछ ऐसा किया है उनके लिए जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है आपने कुछ, तो उन्हें ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो वो आपको दिल से थैंक यू कहने के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली आपका दिया हुआ जो गिफ्ट है, जो या फिर जो भी आपने उनके लिए, देखिए आपने उनके लिए कुछ भी किया हो लेकिन आपने कुछ अच्छा ही किया है जिससे वो बहुत खुश हैं, और दिल से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। और वो सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दुनिया के बेस्ट इंसान हैं। वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर आप उनके लाइफ में नहीं होते तो उनका क्या होता। एक्चुअली ये पर्सन कोई भी हो सकता है। देखिए, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ये कोई भी हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपकी जो हर बात है ना, इन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं। तो आपसे अगर हमारी रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं जिन्होंने नंबर दो चुना है। तो हेलो नंबर दो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे हमारी रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, या जो नंबर आपने चुना है आप वो नंबर भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका और उनका थोड़ा कोई वो हुआ है, कहते हैं ना, थोड़ा कहा सुनी हो गई है आपकी आपस में, तो उस बात को लेकर वो कन्फ्यूज़न में है कि आपने ऐसा उनके साथ क्यों किया। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ तो आप दोनों के साथ हुआ है, जिसके बारे में वो पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। वो जानते हैं कि आप दिल के बुरे इंसान नहीं हैं, आप कभी बुरा नहीं कर सकते उनका, लेकिन अभी फ़िलहाल में आपकी किसी बात से उन्हें हर्ट हुआ है, उन्हें दुख पहुंचा है, तो वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि आखिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो जाएगा कि आपने जो भी उनके साथ किया है वो एक अच्छा ही सोच कर किया है, उनके अच्छे के बारे में ही सोच कर आपने किया है। तो अगर रीडिंग कनेक्ट हुई हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो नंबर आपने चुना है आप वो लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।